तीन बेटियां हैं उनकी, एक को शादी करके दुबई भेज दिया और एक को शादी करके सऊदी अरब। एक सबसे छोटी बेटी भी है, वो उन्हीं के साथ रहती है। वैसे देखा जाए तो शोभी में कोई बुराई नहीं है, अपने खानदान का है, उसमें लिहाज भी है, मुरव्वत भी है, बस बोलता कुछ अजीब तरीके से है। तुम शादी के लिए सोचो तो सही उसके बारे में। क्या, अरे क्या हुआ? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा साथ देंगी, अब आप अपनी बात से मुकर रही हैं। अगर आप भी अपनी बात से मुकर गई तो मेरी दुनिया तो बिल्कुल। क्या हो गया है, हौसला करो, मैंने सिर्फ अपनी राय दी है। राय दी है? आप उसको अच्छा कह रही हैं? वो जाहिल गवार जब से पैदा हुआ है तमीज नाम की चीज कोई उसके पास से गुजरी नहीं है। अरे बोलना, बोलने का अंदाज वो पूरा का पूरा भोंडा है। मर्दाना वजाहत और वकार पे बहुत बड़ा धब्बा है वो। बुरी बात है, इस तरह नहीं करते किसी की बुराई। किसी की ज़ाहिरी सूरत को देखकर बहाना बनाकर उसे बुरा नहीं कहना चाहिए। तो फिर किसे बुरा कहते हैं? शायद जो दिल का बुरा हो, बज़ाहिर खूबसूरत लेकिन अंदर से बदसूरत। पप्पी अम्मा जैसे शायद। लेकिन जी नहीं, बुरा आप उसे भी कहते हैं जो कि दिखने में बुरा हो, जिसे देख के घिन आए, जिसे देख के किसी अजूबे का ख्याल है, उसे भी बुरा कहते हैं। उसे अजीब कह सकते हैं, सादा कह सकते हैं, लेकिन बुरा नहीं कहना चाहिए। मगर शादी तब भी कोई उसे खुशी खुशी नहीं करेगा। वैसे अगर तुम शादी के लिए हाँ कहती हो ना, तो मैं उसे ग्रूम कर सकती हूँ, पॉलिश कर सकती हूँ। सवाल ही नहीं पैदा होता, शोभी का क्या मुकाबला उस? किससे मुकाबला? किसी और को पसंद करती हो क्या? नहीं। किसी को पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है। बताओ मुझे, नाराज बता सकती हो तो मुझे, भरोसा कर सकती हो तो मुझ पर, करती हो किसी को पसंद? तुम खुद सोचो, हो सकता है हम उस लड़की की पर्सनालिटी को जवाब बनाकर इनकार करने में कामयाब हो जाए। मैं स्कूल में थी, फोर्थ क्लास में, टीचर थी मेरी मिस दानी, उनका बेटा है रियान। हम साथ में स्कूल गए, फिर कॉलेज, फिर उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और वो कराची चला गया। यूनिवर्सिटी में तो मेरा भी एडमिशन हुआ था, लेकिन अम्मी की बीमारी की वजह से मैं नहीं जा सकी। यही वाला घर है उनका। तो क्या सीरियस है वो तुम्हारे बारे में? पहले उसको मुझसे मोहब्बत हुई, बाद में मुझे भी हो गई। यही होता है, पहले मर्द को मोहब्बत होती है, फिर जब लड़की भी पटरी से उतर जाती है तो वो पलट कर चलता बनता है। नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत करता है। तुमने उसको बताया शोभी के बारे में? हाँ। क्या कहते? वो आया हुआ है अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए। रिश्ता लाएगा? मिस तानी थोड़ी सख्त मिजाज है, लेकिन वो कह रहा है कि वो मना लेगा उनको। और अगर ना मना पाया तो?